ओलावृष्टि से नुकसान समूचे क्षेत्र में, संभाग में कई जगहों हुआ है। अशोकनगर जिले में खास करके मुंगावली क्षेत्र के 13 गांव में ओला प्रभावित हमारे फसल पर काफ़ी नुकसान हुआ है। मैंने जनप्रतिनिधि और कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि दौरा एक एक गांव में जाके करें। अभी सुबह मेरी दोनों से बात हुई, बृजेंद्र यादव जी वहाँ मंत्री और कलेक्टर साहब दोनों दौरे पर निकल चुके हैं। हमारे ग्वालियर ज़िले में भी कई जगह ओला गिरा है। घाटी गांव क्षेत्र में मैं स्वयं आज जा रहा हूं। किसान अन्नदाता इस देश की शान और सम्मान है। उनके संकट के घड़ी में सदैव सिंधिया परिवार का मुखिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी सदैव उनके साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी का भी पूर्ण विश्वास और आश्वासन हमारे किसानों के प्रति सदैव रहा है। स्वयं जाकर वहाँ मैं मूल्यांकन करूँगा और सब किसानों से मैं मुलाकात में करूँगा। प्रकृति का प्रकोप है, पर इसमें हम लोग सभी अन्नदाताओं के साथ खड़े हैं। हमारे प्रदेश में आने वाले दिनों में मेरी कोशिश है कि आवागमन की स्थिति में बढ़ोतरी जरूर हो। इंदौर के लिए मैंने कहा था कि अभी दुबई की कनेक्शन है, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन मध्य प्रदेश से केवल इंदौर से दुबई के लिए है। आने वाले दिनों में मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन को हम लोग बढ़ाएं। कई एयरलाइन से मेरी चर्चा भी हो रही है और हमारी कोशिश है कि इंदौर शारजा का कनेक्शन भी, क्योंकि शारजा जाने में बहुत रुचि है हमारे प्रदेश के वासियों की, तो इंदौर शारजा का भी कनेक्शन हम लोग आने वाले दिनों में हम लोग शुरू करेंगे। मेरी न किसी से दोस्ती और न किसी से दुश्मनी। सिंधिया परिवार का इतिहास अगर आपने देखा हो, जो शायद आपने देखा होगा, हमारा एक ही मकसद है और वो है जनसेवा, वो है विकास और वो है प्रगति। सकारात्मक रूप में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक एक क्षेत्र में विकास और प्रगति आए। अव्वल पंक्ति में हमारा प्रदेश, हमारा जिला और हमारा देश आगे बढ़ पाए। अभी अभी मैं वाइब्रेंट विलेज के दौरे से वापस आया हूँ। उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाके धराली गांव में, जो चीन की सीमा पर रहता है, उस गांव का भ्रमण करके वहां रात्रि विश्राम करके मैं स्वयं आया हूं। प्रधानमंत्री जी ने 70 के 70 मंत्रियों को एक एक गांव में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, लद्दाख में स्वयं भेजा है, ताकि उस सीमावर्ती गांव की विकास और प्रगति, सरकार की योजनाएं वहां पहुंच रही हैं कि नहीं, किस तरीके से उन गांवों का हम लोग विकास करें। जिन गांवों में कभी भी कोई नेता ना गए हों, वहां प्रधानमंत्री ने देश के कैबिनेट मंत्रियों को भेजा है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की योजनाएँ एक एक आखिरी गाँव में, 350-400 वाले आबादी की सीमावर्ती गांव धराली में भी उज्ज्वला योजना पहुंच चुकी है, प्रधानमंत्री आवास योजना पहुंच चुकी है, हर घर नल योजना पहुंच चुकी है, सड़कों की योजना पहुंच चुकी है, हमारी महिलाओं की स्वयं सहायता समूह बन चुकी है और ज़बरदस्त, खास करके प्रभा जी और दीपा जी मिलकर जो 25 महिलाओं की वहाँ समूह है, सेव का भाग लेकर वहाँ जैम बन रहा है, एप्पल साइडर विनेगर बन रहा है, ब्रांडिंग हो रही है। इसका मतलब है कि भारत का उदय हो रहा है। भारत का उदय, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि केवल बड़े बड़े शहरों से नहीं, लेकिन जब एक एक व्यक्ति, इस देश का एक एक नागरिक मिलकर भारत की विकास और प्रगति में योगदान दे पाए, तभी भारत का असली उदय हो पाएगा। और इस सीमावर्ती गाँवों में जो 350-350 की आबादी, वहाँ भी हर व्यक्ति उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।